हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के सेशन में हम सीखेंगे सीक्वल सेट ऑपरेटर्स। सीक्वल सेट ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये दो क्वेरी के रिजल्ट सेट को कंबाइन करता है। इस जॉइन की तरह होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जो सेट ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके क्वेरी के रिजल्ट सेट्स को जॉइन करते हैं, और जॉइन के अंदर आप टेबल को जॉइन करते हैं एक कॉलम के बेस। सेट ऑपरेटर यूज करने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि पहला रूल है, जब आप क्वेरी यूज करते हैं, जैसे कि आपका क्वेरी वन है, क्वेरी टू है, इन क्वेरी को आप जब ज्वाइन करेंगे, यानी कि सेट ऑपरेटर के थ्रू आप रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्वेरी के अंदर सेम होने चाहिए। जैसे कि आपका क्वेरी वन के अंदर आपके 5 कॉलम्स हैं और क्वेरी टू के अंदर भी आपके 5 होने चाहिए। ये आपका रूल नंबर वन है। रूल नंबर टू है, जब आप दोनों क्वेरी को फायर करेंगे तो इनका रिजल्ट कंबाइन होता है और कॉलम की मैपिंग होती है, यानी कि फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट क्वेरी और फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड क्वेरी, इस तरह से मैपिंग होती रहती है, सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट क्वेरी और सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड क्वेरी। उस केस में यहाँ पर आपका डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका आईडी लिखा है और दूसरी क्वेरी में भी आईडी है, तो दोनों का डेटा टाइप INT होना चाहिए। इसी तरह से फर्स्ट नेम आपका वेयर कैर है, सेकंड क्वेरी में भी आपका, यानी कि सेकंड टेबल में भी आपका फर्स्ट नेम आपका वेयर कैर होना चाहिए। अदरवाइज अगर डेटा टाइप सेम नहीं है तो उसमें एक आपको एरर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है, अगर आप ऑर्डर वाइज यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लास्ट क्वेरी के एंड में आपको ऑर्डर बाई को यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स को मेंशन किया फर्स्ट क्वेरी में, बाकी क्वेरी में उसी ऑर्डर में भी कॉलम्स होने चाहिए। तो ये आपके चार रूल हैं जो आपको फॉलो करने। तो सीक्वल सर्वर में चार तरह के सेट ऑपरेटर्स होते हैं, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। सो हम इन्हीं सभी को आपको सीक्वल सर्वर पर प्रैक्टिकल के साथ चेक करेंगे। सेट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे टेबल में कुछ डेटा है, पहले वो चेक कर लेते हैं। एक टेबल है हमारी यूजर वन सर्वे और दूसरा टेबल है हमारा यूजर टू सर्वे। इसमें दो यूजर हैं जिन्होंने सर्वे करके आपका कुछ डेटा को कलेक्ट किया। दोनों के टेबल में अपना डेटा है, कुछ डेटा हमारा डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम दोनों टेबल को देखते हैं। आप देखेंगे पहली टेबल में आपका कॉलम नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, ऑक्यूपेशन, सैलरी, और सेकेंड यूजर ने अपने टेबल में दिया हुआ है कस्टमर नेम। यहाँ पर कॉलम नेम डिफरेंट है, कस्टमर मोबाइल नंबर, देन सिटी, ऑक्यूपेशन, ये सेम है। हमें क्या करना है, एक इन दोनों को रिजल्ट को कंबाइन करके एक आपको हमें एक सर्वे की एक रिपोर्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, हम सेट ऑपरेटर यूज करेंगे। सबसे पहले यूज करते हैं हम यूनियन ऑपरेटर। तो यूनियन ऑपरेटर काम क्या होता है, दोनों रिजल्ट सेट को कंबाइन करेगा और इसमें से जो भी डुप्लीकेट होगा उसको निकाल देगा। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ रिकॉर्ड्स को, कुछ नाम को इस तरह से दिए, जैसे किंग डुप्लीकेट, तो वही नेम आपका यहाँ दूसरी टेबल में भी किंग डुप्लीकेट। इसी तरह से आपका ली डुप्लीकेट और ली डुप्लीकेट, यहाँ पर माइक डुप्लीकेट, यहाँ भी माइक, यानी कि तीन रिकॉर्ड ऐसे हैं जो दोनों टेबल में आपका डुप्लीकेट है। उनका मोबाइल नंबर सेम है, सिटी सेम है, ऑक्यूपेशन सेम है और सैलरी सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन। अगर मैं यहाँ पर यूनियन को यूज करने के लिए आपको फर्स्ट क्वेरी, देन फर्स्ट क्वेरी के बाद ऑपरेटर, कैसे यूनियन, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे कुछ रूल्स हैं, पहले हम उनको चेक कर लेते हैं। जैसे पहला रूल था कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ऑल क्वेरीज मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर 5 कॉलम दोनों क्वेरी में है। अगर सपोज मैं सैलरी को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा कि आपका जो ऑपरेटर्स होते हैं यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, इसमें आपका इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ आपका कॉलम्स होने चाहिए। अगेन मैं सैलरी को ले आता हूँ, सैलरी। सेकंड था कि जब कॉलम की मैपिंग होती है, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है कि नेम है लेकिन दूसरी टेबल में है कस्टमर नेम, तो कॉलम का नेम आपका सेम होना ज़रूरी नहीं है, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए।
यहाँ सपोज मैं सैलरी को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कॉलम। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, सैलरी आपकी मैच कर रही है कस्टमर नेम से, फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट क्वेरी, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड क्वेरी, तो सैलरी आपका इंटीजर है और कस्टमर नेम आपका वेर कैर है। अब मैं अगर दोनों को आपको एग्जिट करता हूँ तो यहाँ पर एक आपका एरर आ गया, कन्वर्जन फेल्ड, क्योंकि आपका इंटीजर और वेर कैर के अंदर कोई आपका लॉजिक मैचिंग नहीं हो पा रही है। इस तरह से तो आपको ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। मैं सैलरी को वापस यहीं पर रख देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यूनियन का काम होता है डुप्लीकेट को हटाना, यानी कि आप देखेंगे किंग डुप्लीकेट, ली डुप्लीकेट और माई डुप्लीकेट, यानी कि ये आपका दूसरी टेबल में भी है। तो यूनियन ने क्या किया, आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करके बाकी रिकॉर्ड को यहाँ पर एज ए सिंगल रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर दिया। दोनों टेबल में हमारे 5-5 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आपका यहाँ पर 7 है, क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स हमारे सेकंड टेबल से भी हैं, 3 डुप्लीकेट है, इसलिए वहाँ से वो रिमूव हो गए। एक होता हमारा यूनियन ऑल। यूनियन ऑल में क्या होता है, यूनियन और यूनियन ऑल में एक डिफरेंस होता है कि यूनियन में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है और यूनियन ऑल में सभी रिकॉर्ड को इंक्लूड कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर सपोज यूनियन ऑल कर देता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। यहाँ पर देखिए 5 रिकॉर्ड्स आपके इस टेबल में हैं और 5 इसमें हैं, तो आपके दोनों को मिला करके हमारे हो गए 10 रिकॉर्ड। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसे कि आपका किंग डुप्लीकेट है, फिर से आपका हमारा 7 रिकॉर्ड नंबर 7 किंग डुप्लीकेट, क्योंकि सेकंड टेबल का ये डुप्लीकेट है। एक ली डुप्लीकेट है थर्ड पर है, और फिर रिकॉर्ड नंबर 8 यानी ली डुप्लीकेट, ये भी आपका सेकंड टेबल से आ रहा है। तो यानी कि आपका यूनियन ऑल में आपका डुप्लीकेट रिमूव नहीं होते, वो दोनों टेबल से डेटा को कलेक्ट करके दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल आपको आउटपुट डिस्प्ले कर दे। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्ट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, इसमें केवल आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यानी दोनों टेबल में जो कॉमन है, दोनों डुप्लीकेट है, उन्हीं को इंक्लूड करता है। तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं यूनियन ऑल इंटरसेक्ट, और अब रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए जो आपका डुप्लीकेट है, जो दोनों टेबल में कॉमन है, वो आपका आउटपुट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारा एक्सेप्ट ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, डेटा को केवल फर्स्ट क्वेरी से लेता है, यानी कि फर्स्ट क्वेरी में जो भी डेटा होगा उसको लेगा और उसको कंपेयर करता है सेकंड क्वेरी से। अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ जैसे क्वेरी को फायर करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपका जोहन और सूजन, ये आपका फर्स्ट टेबल के अंदर डेटा है और जो डुप्लीकेट था उसको रिमूव कर दिया। अब हम दोनों को चेक करते हैं, तो देखिए आपका क्या हुआ, जॉन और सूजन ये आपका फर्स्ट क्वेरी में है, फर्स्ट टेबल में है, लेकिन सेकंड टेबल में एक रिकॉर्ड हो रहा है कॉर्नर, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। एक्सेप्ट केस में क्या होता है कि आपका रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट टेबल, फर्स्ट क्वेरी और माइनस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, यानी कि 3 रिकॉर्ड डुप्लीकेट हैं तो तीनों हट गए और रह गया आपका जॉन और सूजन। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट का रिजल्ट आप चेक कर सकते। सो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट द सीक्वल ऑपरेटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।